हेलो फ्रेंड्स, आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहर द्वितीय अध्याय संख्या संबंधित अधिक आलोचनार 2.5 गरिष्ठ साधारण गुणनियोग बा ग सागु विषय आम पढ़ा। तो गरिष्ठर अर्थ कौन? बड़। गरिष्ठर अर्थ हूँ बड़। साधारण गुणनियोग तो आम पढ़ी मैंने दुईट संख्यार जब गुणनियोग आम ना प्रथम संख्याटर या गुणनियोग आ द्वितीय संख्यार गुणनियोगर जो जो गुणनियोग सामान आसुगुड़ आम साधारण गुणनियोग कह तो से साधारण गुणनियोग मानक भितर जो संख्याटी बड़ मानने अधिक मानने बड़ संख्याटी आसुव से बड़ संख्या थी तार साधारण गुणनियोग थी। मनकर धर गोटे संख्या पाँच आउ दस, तो पाँच गुणनियोग किए एक दुई पाँच सरी एक आउ पाँच पाँच दस भितर गुणनियोग हूँ पाँच एक आउ पाँच दस रहा एक दुई पाँच दस। तो या भितर साधारण गुणनियोग किए एक आसुच्छी साधारण गुणनियोग आउ पाँच आसुच्छी साधारण गुणनियोग किंतु एक आउ पाँच भितर बड़ संख्याटी किए पाँच तेणु पाँच आउ दस रु बा गरिष्ठ साधारण गुणनियोग हेउची पाँच। यही विषय आम आज पढ़ा। तापर देला जे दुई बा दुई दुईट रु अधिक संख्यार गरिष्ठ साधारण गुणनियोग बा ग सागु एक अद्वितीय संख्या माने एक अद्वितीय माने या छड़ा आउ किछि भी आसीबो नाही। केवल पाँच जमी पाँच दस केवल पाँच ही आसला ता व्यतीत आउ किछि भी आसीबोनी सही कथा एठी कुहा दैछि। जहाँ प्रत्येक संख्यार गुणनियोग अर्थात यह समस्त संख्यार साधारण गुणनियोग होइथाय और समस्त साधारण गुणनियोग मानक मधुर सबुठार बड़ होइथाय जमीती कि आम एक पाँच देखिले एक पाँच हूँ साधारण गुणनियोग थिला बड़ किए थी पाँच थिला। तो उदाहरण स्वरूप बार आउ षोहल संबंध में आलोचना करिबा। तो एठी देला जे बार गुणनियोग किए किए आम जानछनि बार गुणनियोग एक दुई तीन चार छ आउ बार से हीपरी षोहल गुणनियोग एक दुई चार आठ षोहल ता भीतर साधारण गुणनियोग किए किए एक दुई चार एक दुई चार हूँ बार आउ षोहल साधारण गुणनियोग। तो एमानक मध्यरु चार हूँ सबुठारु बड़ आउ साधारण गुणनियोग अर्थात बार आउ चार ग सागु बा गरिष्ठ साधारण गुणनियोग किए है चार है। तो दुई बा अधिक संख्यार ग सागु जानापी साधारणत जो प्रणाली प्रयोग कराए से गुड़िक है मौलिक गुणनियोग विश्लेषण प्रणाली। तो ग सागु तो आम साधारण भाव में ये ग सागुटा को आम कौन करवा साधारण गुणनियोग आम कौन ने जे जौगिक संख्या भी अच्छी मौलिक संख्या भी अच्छी किंतु मौलिक संख्या ने आमको अधिक मैं भल मान सहज हम तो सहज हम से आम कौन करवा मौलिक मौलिक गुणनियोग विश्लेषण प्रणाली रे करिबा जोटा कि पूर्व आम पढ़ी थिले। तो साधारण भागकिया प्रणाली आउ निरंतर भागकिया प्रणाली एतिकी को लेकिन आम गसागु जानिबा। तो एबे आम यही प्रणाली संबंध में आलोचना करिबा जे मौलिक विश्लेषण प्रणाली कौन मौलिक गुणनियोग विश्लेषण प्रणाली या पूर्व आम कौन जानते जे मौलिक जो यहाँ जे मौलिक गुणनियोग जानते तो एबे आम से मौलिक गुणनियोग विश्लेषण प्रणाली को आम पढ़ा। तो यही प्रणाली तीनोटी सोपान संपादित हुए। प्रथम आम देखीद जे उदाहरण कौन दे उदाहरण अनुसार ये सोपान गुड़ को तुमको बुझे कह उदाहरण देख सी देला जे संख्या चबीश आ चालीस ग सागु निर्णय करवा देला जे सोपान मैंने दि जा संख्या मधुर प्रत्येक को मौलिक गुणनियोग विश्लेषण कर तमें मौलिक गुणनियोग मानक गुणफल रूपे लेख से कहती मौलिक गुणनियोग विश्लेषण तमें मौलिक गुणनियोग गुणनियोग मानक गुणफल जमीती कि चबीश चबीश को जदि आम मौलिक तार गुणनियोग बाहर करवा किए हम चबीश दुई 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 तीन एति की बाहर जदि मौलिक गुणनियोग बाहर करवा से चालीस बाहर कले किए आसब दुई 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 पाँच एतिक आसब मौलिक गुणनियोग। तापर समस्त गुणनियोग मानक मध्यरु साधारण गुणनियोग नियो साधारण गुणनियोग किए दुई अच्छी एटी भी दुई अच्छी
ତାପରେ ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ପାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ହେବ ଗସାଗୁ। ତ ଚବିଶରେ କେତେଟା ଦୁଇ ଥିଲା? ଦୁଇ 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 ତିନିଟା ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ଥିଲା। ଚାଳିଶରେ କେତେଟା ଦୁଇ ଥିଲା? ନା ଦୁଇ 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 ତିନିଟା ଦୁଇ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଥିଲା, ଏଇଆ ଥିଲା। ତ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଭାବେ କିଏ କିଏ ଥିଲା? ଦୁଇ ମାନେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ, ଉପରେ ବି ତଳେ ବି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା, ତ ଦୁଇ 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 କେତେ ହେଲା? ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଦୁନେ ଆଠ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚବିଶ ଆଉ ଚାଳିଶର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ? ଆଠ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଦାହରଣ ଦୁଇରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ, ଶହେ ଅଶୀ ଆଉ ଶହେ ବୟାନବେର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତ ସେମିତି ଶହେ ଚଉରାଳିଶର କ'ଣ କରିବା ନା ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ନା ଦୁଇ 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 ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି, ଏତିକି ବାହାରିବ ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ବା ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ। ସେମିତି ଶହେ ଅଶୀର ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ସବୁ କିଏ କିଏ? ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ। ସେହିପରି ଶହେ ବୟାନବେର ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ସବୁ କିଏ କିଏ? ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି, ଏତିକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତା'ର ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ନା ଉପରେ ଦୁଇ ଅଛି, ମଝିରେ ବି ଦୁଇ ଅଛି, ତଳେ ବି ଶେଷରେ ବି ଦୁଇ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତିନି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶହେ ଚଉରାଳିଶରେ ତିନି ଅଛି, ଶହେ ଅଶୀରେ ତିନି ଅଶୀ, ଶହେ ବୟାନବେରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଛି। ତାହେଲେ ହେଲା ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପରେ କେତେଟା ଦୁଇ ଅଛି, ତଳେ କେତେଟା ଦୁଇ ଏବଂ ମଝିରେ କେତେଟା ଦୁଇ ଅଛି। ତ ଶହେ ଚଉରାଳିଶରେ ଦୁଇ କେତେଟା ଅଛି? ଚାରିଟି ଦୁଇ ଅଛି। ଶହେ ଅଶୀରେ କେତୋଟି ଦୁଇ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଅଛି। ଶହେ ବୟାନବେରେ କେତୋଟି ଅଛି? ଛଅଟି ଦୁଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ହେଲା ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ତ ଆମ ଛଅ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା? ଦୁଇଟା ମାତ୍ର, ଦୁଇ ଆଉ ତ ଅଧିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଆସିବ, ଏଥିରେ ବି ଦୁଇଟି ଦୁଇ, ଏଥିରେ ବି ଦୁଇଟି ଦୁଇ, ଏଥିରେ ବି ଦୁଇଟି ଦୁଇ, ତା ସହିତ ତିନି ଆସିଲା। ତ କେତେ ହେଲା? ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣ ତିନି, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ତିନି ବାର ହେଲା। ତାହେଲେ ବାର ହେବ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ତିନି। ଉଦାହରଣ ତିନିରେ ସେ କହିଲା ଯେ ସତେଇଶ ଆଉ ଅଶୀର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତମେମାନେ କହୁଥିବ ଯେ ଏଠି ଯେ ଏଠି ତ ଦୁଇ ଛଅଟା ଦୁଇ ଥିଲା, ଆମେ କାହିଁ ଛଅଟା ଦୁଇ ନେବାନି? ତମେ ତ କହିଥିଲ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ, ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ। ଏଠି ଯଦି ଛଅଟା ଦୁଇ ମାନେ କେତେ? ଛଅ ଦୁଇ ବାର, ଏଠି ତ ବାର ନାହିଁ ନା, ଶହେ ଅଶୀରେ ବାର ଅଛି କି? ଦେଖ ଶହେ ଅଶୀରେ ବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶରେ ଦେଖ ଅଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଲା କେତେଟା ଦୁଇ ଅଛି ନା ଛଅଟା ଦୁଇ, ଏଠି ଅଛି ଦୁଇଟା ଦୁଇ, ଏଠି ଅଛି ଚାରିଟା ଦୁଇ। ତାହେଲେ କମନ୍ କେଉଁଟା ରହିଲା ମାନେ ସାଧାରଣ କେଉଁଟା ରହିଲା? ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଆସିବ, ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଆସିବ, ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇକୁ ଦୁଇକୁ ହିଁ ନେଲୁ, ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତିନି ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତିନି ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତିନି ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତିନି ନେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା କେତେ? ନା ବାର ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସତେଇଶ ଆଉ ଅଶୀର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ସତେଇଶର ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ସବୁ କିଏ କିଏ? ନା ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଶୀର ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କିଏ କିଏ? ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କିଏ ରହିଲା? ଏଥିରେ ତ ସାଧାରଣ ଗୁଣ କିଛି ବି ରହିଲାନି, କାରଣ ଏଠି ତ ତିନି ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଉପରେ ତିନି ରହିଲା, ଏଠି ଦୁଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ରହିଲା, ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ତ ନାହିଁ। ନା ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଅଛି, କିଏ ଅଛି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁଣ ନିୟୋଗ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଏକ ଅଛି, ଏଠି ବି ଏକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କିଏ ରହିଲା? ଏକ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସତେଇଶ ଆଉ ଅଶୀରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କିଏ? ଏକ। ତ ଏଠାରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଏଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଏହାର ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା? ଏକ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ରମିକ ଭାଗକିରା ପ୍ରଣାଳୀଟା ଦେଖିବା। ତ କ୍ରମିକ ଭାଗକିରା ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଭାଗକିରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚବିଶ ଆଉ ଚାଳିଶର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏହିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଲେଖିଲ ଚବିଶ, ଏଇଠି ଲେଖିଲ ଚାଳିଶ, ତାପରେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆମର? ଦୁଇ। ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଦେଖିବ ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ତୁମେ ଭାଗ କରିବ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଭାଗ ହେଉଥିବ, ଯେମିତିକି ଚବିଶ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ୁଥିବ, ତା ସହିତ ଚାଳିଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛିଣୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି, ବାର ଦିନ ଚବିଶ ହେଲା, ଏଠି ହେବ କୋଡ଼ିଏ, ହେବ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଚାଳିଶ, ପୁଣି ଦୁଇ ନେବା, ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ବାର ଛିବ, ଦୁଇଶହ ବାର, ଦୁଇ ଦଶା କୋଡ଼ିଏ, ପୁଣି ନେବା ଦୁଇ, ଦୁଇ ତିରିଶ ଛଅ,
दुई पंचा दस तापर आउ संख्या न जदि आम तीन ना तुम तो कह तीन भी छिड़ब ना तीन कितु केवल तीन हिं छिड़ब पाँच रे तो छिड़बन ना से जो संख्याटा नब जोटा कि उभय संख्या द्वारा छिड़ू से संख्याटी हम कौन ना तार गसघ हम तो दुई 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 तो दुई गुणन दुई जहाँकि उभय द्वारा छिड़ूला उभय द्वारा विभाज्य होता तेना दुई दुन चार दुन आठ ताल चबिश अशी गसघ के आठ है तो उभय संख्या जो मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य से ही संख्या द्वारा उभय संख्या को क्रमिक भाव भाग कर तुम यहीपर भाव भी तुम कर ना क्रमिक भाग के प्रणाली रे भी करपर आम देखा जे उपरोक्त दुईट प्रणाली में गसघ जानवाप आम प्रत्येक संख्या को मौलिक गुणनीयक विश्लेषण करने उचित छोट छोट संख्या क्षेत्र में यह कार्य सहज होता है तुम छोट छोट संख्या क्षेत्र में मौलिक विश्लेषण कर मौलिक गुणनीयक विश्लेषण कर मात्र बड़ बड़ संख्या क्षेत्र में यह कार्य मौलिक गुणनीयक विश्लेषण करने कार्य एत सहज नुहे यहाँ टी लंग प्रोसेस हम यही परिस्थिति में गसघ निर्णय करने एक विकल्प प्रणाली अच्छी जहाँ को निरंतर भागक्रिया प्रणाली कहती यही निरंतर भागक्रिया प्रणाली बड़ संख्या मानक गसघ निर्णय करमको सुविधा हम जाच कि जेतेबले दुईट संख्या मध्य कौन सी साधारण गुणनीयक हुए ना से गसघ एक हुए यही संख्या को परस्पर मौलिक संख्या कहती है जो संख्यार गसघ एक हुए से ही संख्या को परस्पर मौलिक संख्या कहुए तापर देखा निरंतर भागक्रिया प्रणाली जमीती कि छः पाँच रि गसघ आम निर्णय करवा के हम छे मौलिक गुणनीयक सब अच्छी दुई आन अच्छी पाँच रे किए अच्छी एक आँच अच्छी तेल यार साधारण गुणनीयक किए यार तो साधारण गुणनीयक किसी ना तेणु किए हम यार गसघ एक हम कारण छे भी एक अच्छी पाँच रे भी एक अच्छी तेणु एक हम यार गसघ तेणु यही छँच को उभय को कौन कह परस्पर मौलिक संख्या तापर देखा निरंतर भागक्रिया प्रणाली तो यही प्रणाली द्वारा आम दुईट संख्यार गसघ निम्न सोपान कर जमीती कि उदाहरण मुझे चारि कहीद सोपान गुड़ को गोटे गोटे बुझे जमीती देला चबिश चालीस गसघ निर्णय करवा प्रथम कौन करा बड़ संख्या को छोट संख्यार भाग कर भागशेष निर्णय करवा तो चबिश चालीस बड़ संख्या किए चालीस अच्छी छोट संख्या किए चबिश तेल चबिश रु चालीस को विभाज्य करवा देखा जदि भागशेष शून हुए तेरे छोट संख्याटी गसघ अटे जदि भागशेष शून न हुए छोट संख्या को पूर्व भागशेष द्वारा भाग कर नुआ भागशेष निर्णय कर मैंने कह चबिश के गुण चालीस हम चबिश चबिश दिन तो अड़चाई हम ना चालीस टू अधिक है तेनाली चबिश के चबिश तो भागशेष के आस रु चार जापर दस रु चार गला छ दस पड़ तीन तीन रु दुई गले एक षोह ये मुझे लिखिदे चालीस चबिश के चबिश इटा षोह सी देलाजे जदि शून हुए तो शून है तेणु तेज संख्याटी गसघ अटे जदि शून न हुए छोट संख्याटी छोट संख्याटी पूर्व भागशेष द्वारा भाग कर छोट संख्याटी किए आमर चबिश छोट संख्याटी पूर्व भागशेष किए आमर षोह षोह द्वारा आम पुणी भाग करवा ये लिखा छोट संख्याटा तम मैंने चालीस चबिश मध्य छोट संख्या किए थी चबिश थी चबिश को आम कौन करवा जो भागशेष है से ही भागशेष द्वारा आम पुणी ताको विभाज्य करवा देखा षोह के पणिका चबिश अच्छी ना ना तेना षोह के षोह चबिश रु षोह गले के हम चार शो छ जापर आनला के चौदह चौदह रु छह गले हम के छबार छबार आठ हम एक दस पड़े आउ रहा कैसे एक एक शून हम तेणु आठ रहा आठ रहा एटी भागशेष आमर शून है ना तो पुणी कौन करवा षोह चबिश मधे छोट संख्या किए थी षोह थी तो भागशेष के आठ तो आठ को पुणी से षोह द्वारा आम हर के हम आठ दुने षोह भागशेष के शून रहा तेल ये संख्याटी ये संख्याटी हम गसघ देख तर नुआ भागशेष शून हुए आम नुआ भागशेष शून है तेरे पूर्व भाजक गसघ तो भाजक किए थी एटी आठ थी ना
आठ आउ षोह भितर भाजक किए इला भाज्य इला भाजक तो ये भाजकटी हम कौन गशागु ये भाजक है गशागु जदि भागश शून न हुए पुणी पूर्व भाजक को ये भागश द्वारा भाग कर यही प्रणाली बारंबार कर चल जो भागश शून हम सेठे कार्य शेष हम भागश शून हेले शेष भाजक हम गशागु ये छोट संख्या आम हरिले क्या द्वारा षोह चबीस हरिले एटी भागश शून है ना पुणी तापर सेमती आम पुनर्बार पुणी कले पुणी देखिले कौन भागश के आठ है तो से जो षोह चबीस भितर छोट संख्याटी किए थी षोह षोह को पुणी आम कौन कले ना ये भागश द्वारा आम हरिले विभाज कले तो ये भागशेष होगा ये भाजक होगा तेणु यही भाजक संख्या द्वारा यही भाज्य है विभाज हो गला जहाँकि भागश शून है तेणु ये पूर्व ये भाजकटी है कौन ना गशागु यहीपरी भाव में तुम गशागु निर्णय कर तो यहीपरी चबीस और चालीस गशागु के आठ कह देखी मौलिक गुणनियोग विश्लेषण प्रणाली में चबीस चालीस गशागु के मौलिक गुणनियोग करना तुम देख जमी कि चबीस चबीस मौलिक संख्या किए किए थी चालीस किए किए रहीपर तो गशागु देख से आठ देख बाहर हैपर आम देखा जदि दुई रु अधिक संख्या थाए तेब यहाँ दुईट संख्या थी चबीस चालीस जदि याठू अधिक संख्या थाए तेब प्रथम आम जेकोसी दुईट संख्यार गशागु बाहर करवापर अवशिष्ट संख्या मध्य गोटे संख्या और पूर्व गशागुर गशागु निर्णय करवा ये आम कहीदे जमीक देठी के संख्या देनोट संख्या दे सी कौन कहला जे प्रथम आम जेकोसी दुईट संख्या मध्य गशागु बाहर करवा ये कौन कला ना शहे चौरास आउ शहे अशी गशागु बाहर कलापर अवशिष्ट संख्या मध्य अवशिष्ट किए शहे बयानबे संख्या रहा से संख्या मध्य पूर्व गशागु तेने शहे चौरास आ शहे अशी गशागु के बाहर बतीस बाहर तो पूर्व गशागु को पूर्व गशागुर गशागु निर्णय करेंगे तो मैंने शहे बयानबे एक बतीस सहित आम हरण कले तो यही सबूर विचार नहला पर्यंत यह प्रणाली बारंबार करवा शेष गशागु ही निर्णय गशागु हम तेल बतीस पुणी शहे बयानबे हरण कले तो भागश शून तार भाजक के बार अच्छी तेणु के बार आस तापर दे गशागु संख्या क्रम उपर निर्भर करे ना तो मैंने तुम्हें शहे चालीस शहे अशी नहीं पार ना शहे बयानबे शहे अशी प्रथम नहीं पार ना शहे बयानबे को शहे चौरास सहित नहीं पार कितु जदि आम संख्या को ऊर्धक्रम ने तेज कार्यप्रणाली सहज हम ऊर्धक्रम मान ऊर्धक्रम मान सान रु बड़ ये जमी सान संख्या नेलापर टे बड़ संख्या तापर सभा बड़ संख्या को नेपरी भाव कले कार्यप्रणाली सरल हम ये जमी कर शहे अशी को ये करे अशी हरण शहे चौरास कला तो शहे चौरास के शहे चौरास तो दस रु चार गले छ एक दस बढ़ चे सात सात रु चार गले तीन छतीस एक रु एक गले शून छतीस हैपर आम कौन करवा ना ये छतीस है भागश बोलनी तेल ये जो पूर्व संख्यार जो छोट संख्याटी को ना पुणी ये जगह हलानी बोली मुझे शहे चौरास एमती लिखा जाए जगह हलानी से मुझे लिखुची ये शहे चौरास छतीस चो शहे चौरास हम चारु चारि गले शून चारु चारि गले शून तो शून ही रहा तेणु के मोर ये कौन है भाजक है संख्याटा गशागु बाहर तो यही छतीस संख्या कौन करना पुणी आ गए संख्या आम कौन अच्छी शहे बतीस अच्छी तो से छतीस संख्या को शहे शहे बयानबे अच्छी शहे बयानबे द्वारा आम विभाज करवा तो छतीस के पणिकार केहे अशी ये एक देखिए एक हेनी पाँच हम कारण छतीस पंचा शहे अशी छ पंचा तीस शून रखने तीन पाँच तीन पंदर तीन अठर शहे अच्छी पाँच शहे अशी है केत बढ़ला छतीस बार बढ़ला ठीक बार बढ़ला कारण दूर शून गले दुई नौ आठ गले एक बार तापर ये छोट संख्याटा जोटा कि भाजक है या पुणी आम ना ये छतीस यही छोट संख्याटा भाग करवा तो बातिर छतीस हैला शून तो के संख्याटा है गशागु तेल गशागु आमर के छतीस बयानबे शह बार तेना शहे चौरास शहे अशी आउ शहे बयानबे गशागु हूँ बार जदि आपण मैं भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे जदि आपण मैंने बुझी न पारती मत कमेंट रे जनइबे।